आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। एजी ऑफिस बिजली विभाग के कर्मचारी और लेखपाल करते थे ऑनलाइन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा। चढ़े एसटीएफ और शाहपुर पुलिस के हत्थे। ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों पर केंद्र संचालकों से सेटिंग कर अभ्यर्थियों की जगह सॉल्वर को बैठाकर ऐप के माध्यम से नकल कराने वाले गैंग के गिरोह के 5 सदस्यों को एसटीएफ और शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। नीली बत्ती लगी हुई फॉर्चूनर, 1 हुंडई, 5.5 लाख रुपए नगद, 10 लैपटॉप, 13 मॉनिटर, 10 व्यक्तियों के आधार कार्ड, प्रवेश पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र, 5 मोहर किया बरामद। मुकदमा दर्ज कर भेजा जेल। रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में युवक की चाकू से गोदकर हुई हत्या। क्षेत्र में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंचे एसएसपी, कहा जल्द होगी आरोपियों की गिरफ्तारी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने आगामी विधानसभा चुनाव के तैयारियों की समीक्षा। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी रहे जुड़े, कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के दिए निर्देश। तिवारीपुर थाने पर लगाए गए पुलिस चौपाल में पहुंचे एडीजी जोन अखिल कुमार, थाने का किया निरीक्षण। बीट पुलिस अधिकारियों को 250 सम्मानित व्यक्तियों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के दिए निर्देश। हर बुधवार पुलिस अधिकारी आपके द्वार के तहत एसपी सिटी ने तिवारीपुर थाने पर लगाया पुलिस चौपाल, कहा चौपाल में आए 8 मामले निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए गए निर्देश। जनपद में जिला अस्पताल सहित 183 केंद्रों पर किया गया 20,052 लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन। फर्स्ट डोज लेने वालों में 4,173 और सेकेंड डोज लेने वालों में 15,879 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने नागरिकों से की अपील, कहा अवश्य लगवाएं टीका जीत का। और बैरियर चेकिंग ऐप के माध्यम से पुलिस विभिन्न चौराहों पर चेकिंग कर संदिग्ध व्यक्तियों की कर रही है पहचान। एसपी सिटी ने कहा बैरियर चेकिंग ऐप अपराधियों पर नकेल कसने में हो रहा है कारगर साबित।